वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं ऋचा और आज मैं आप लोगों को सेंट्रल टीटी में आने वाला जो सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिससे बार बार सेंट्रल टीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे फटाफट 3 मिनट में समझाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान यानी मानसिक विकास का अध्ययन किया। इनके सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा और इन्होंने कहा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संचार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली ये संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे में पाई जाती है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों यानी आंख कान नाक के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चे की बुद्धि उसके कार्य से व्यक्त होती है, यानी अगर किसी बेडशीट पे कोई टॉय रखा है तो बेडशीट को खींच के टॉय को ले लेता है। इसमें बच्चे में वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ निकालता है। ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में पूछा जाता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण किस स्टेज में आता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे में पाई जाती है, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें जीववाद का गुण आता है बच्चों में, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, यानी अगर उसे डोर से चोट लग गई तो आप दरवाजे को पीट दीजिए, वो खुश हो जाएगा। अहम केंद्रितता, जब बच्चे में यह सोचना शुरू कर दे कि जो वह कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है। अपलटाव यानी इरिवर्सिबिलिटी, इस अवस्था में बच्चे को संख्याओं वस्तुओं समस्याओं आदि को लटना पलटना नहीं सीखता, यानी उसे अगर आप बताइए 2+3=5 है, फिर पूछे 3+2 क्या होता है तो वो नहीं बता पाएगा। मुद्रा संपत्ति, भार ऊंचाई आदि की संपत्ति की कमी होती है, यानी अगर 2 ग्लास में एक पतली एक चौड़ी है इक्वल क्वांटिटी में वाटर रखिए, पूछिए किसमें पानी ज्यादा है, तो पतली ग्लास में ऊपर तक देखेगा लेवल तो कहेगा उसमें पानी ज्यादा है। केंद्रीकरण यानी जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान दे, यानी अगर उसे मोबाइल पकड़ा दीजिए तो उसको केवल कार्टून से मतलब रहेगा, मोबाइल के बाकी फीचर से उसको कोई मतलब नहीं। तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे में पाई जाती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटाव मुद्रा भार आदि का कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। अब उसको बताइए 2+3=5 है, फिर पूछिए 3+2 क्या है, तो बता लेगा 5 होगा। उसका चिंतन अब अधिक्रमबद्ध और तर्कसंगत होना प्रारंभ करता है। अज्ञात्मक तर्कड़ा यानी इंडक्टिव रीजनिंग, यानी उदाहरण से नियम की ओर। अब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, उससे पूछिए गाय क्यों जरूरी, तो वो आंसर देगा आपको कि मिल्क देती है। फोर्थ स्टेज है औपचारिक यानी अमूर्त संख्यात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से आगे के बच्चे में पाई जाती है, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यह कार्य कारण को समझता है। निगमात्मक तर्कड़, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, जैसे मैथ के क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व कर लेता है क्योंकि उसे नियम पता है। उससे पूछे 4-2 कितना होता है, तो बिना कॉपी पेन के बता देगा वो कि 4-2=2 होता है। तो समस्याओं को समाधान करने के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह सोचने समझने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। थैंक यू।